सी प्रोग्रामिंग में एरे, एरे क्या है? तो एरे समझने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर, लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरह के जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी डाटा टाइप हैं, उनको सेम डाटा टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम एरे कहते हैं। क्या हम ये स्ट्रक्ट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद में हम समझते हैं कि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर को एरे कहते हैं। तो हम अभी एक डाटा स्ट्रक्चर इस तरह की पढ़ेंगे जिसमें सभी डाटा एक ही तरह के होंगे, मतलब जो एलिमेंट इसमें एक डाटा नहीं होगा। अब तक हम क्या करते हैं, इंटीजर ए, तो ए एक इंटीजर है, लेकिन अब हम एक ही तरह के बहुत सारे इंटीजर्स डिक्लेयर करेंगे, एक इंटीजर में सब कुछ नहीं रखेंगे, तो उसको हम एरे कहेंगे। ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किया जाने वाला एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है, कंप्यूटर जब मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करता है तो उसका एक फिजिकल लोकेशन बताया जाता है, और वो लोकेशन यहाँ जैसे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की तो उसके बाद वाली इंटीजर वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं उस आधार पर बताया जाता है। और इसी तरह से हम मेमोरी की बात करें, जैसे एक इंटीजर मान लेते हैं 32 बिट में स्टोर होता है, तो उसके फर्स्ट 32 बिट में एक नंबर स्टोर हुआ, नेक्स्ट 32 बिट में उसी टाइप का नंबर स्टोर हो रहा है। और इस तरह से हम यदि 10 डिजिट का कोई जैसे साइज हम 10 दे देते हैं एरे की, तो ये 320 बिट में 320 बिट्स में ये पूरे एलिमेंट्स स्टोर होंगे। अब हम एक स्क्रिप्टिंग समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है A1 और ब्रैकेट में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 0 इक्वल टू 45, बाद में A1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और इक्वल टू लिखा 34। तो ये हमने लेफ्ट साइड में A1 लिखा है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आगे इक्वल लगा के कोई और नंबर इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स A1 नाम से लिखे गए हैं, A1 नाम से परिभाषित किए गए हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर 12 एलिमेंट्स रख रहे हैं जिनका सबका नाम क्या है, A1, तो सबका सेम नाम है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है वो इनकी नंबरिंग है, जैसे A1 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा गया है तो 0th एलिमेंट है, 1 लिखा गया तो फर्स्ट एलिमेंट है, 2 लिखा गया तो ये सेकंड एलिमेंट है, इस तरह से। और इस नंबरिंग को बोलते हैं, ये जो नंबर हैं उनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो A1 फुल नेम है, सबस्क्रिप्ट उसकी 0 है, मतलब वो 0th नंबर है। A1 9, मतलब A1 उसका एरे का नाम है और उसका 9th एलिमेंट, इस तरह से हम इनको समझते हैं। अब हम इनको और तरीके से देखें, तो जैसे सबस्क्रिप्ट जो है वो ओनली पॉजिटिव नंबर एंड 0 ही होगा, वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा। इसको लिखने का एक पैटर्न हम देखें, जैसे हम A1 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में i+j लिख देते हैं, जहां i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हम एरे के 5th एलिमेंट को 0 1 2 3 4 5 नंबर पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहे हैं। हमने प्लस इक्वल टू 10 लिखा, मतलब उसकी जो पुरानी वैल्यू है उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ एक ब्रैकेट में i+j की जगह a5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जब लूपिंग करनी होती है, जब हमें कहीं और से कॉलिंग वेरिएबल टाइप की कॉलिंग करनी होती है, तो हम यहाँ पर इस तरह से i और j भी लिखते हैं। यहाँ पर i और j की वैल्यू रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, सिर्फ 0 और नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं।
यहाँ पर एक चीज और है कि ये एरे नंबर है, ये कैलकुलेशंस नहीं है, इसलिए हम असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में भी इनको यूज कर सकते हैं। सामान्यतः हम 2 × 3 = a नहीं लिखते इस प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग में a = 2 × 3 लिखते हैं, लेकिन एरे में जैसे a(5) = 10 लिखा, इसका मतलब इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में हमने एरे का नंबर दिया है, सबस्क्रिप्ट लिखा है, तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद में एरे को प्रिंट कैसे करें, जैसे हमने फर्स्ट टू इंटीजर्स एरे के जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन प्रिंट करना है, तो हम नॉर्मल प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट आना है वो a1 लिखने की बजाय a1(0) + a1(1) इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब a1 जो एरे है उसका 0th और फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन यहाँ प्रिंट होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, वहाँ हम लिखते हैं इंट, जैसे इंटीजर टाइप एरे है तो इंट एरे का नाम और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में एक नंबर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर 12 इंटीजर्स के कोरस्पोंडिंग मेमोरी रिजर्व रख लेगा, और यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे जो 0 से स्टार्ट होके जिनकी सबस्क्रिप्ट 11 तक जाएगी। हम इनको इस तरह से डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं, इंट a2(100) = 100, a3(34), b(5). तो इसका मतलब वह ए टू एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं और जिनकी सबस्क्रिप्ट 0 से 99 तक जा रही है। a3 एक और एरे है जिसमें 34 एलिमेंट्स हैं और उसकी सबस्क्रिप्ट 0 से 33 तक जा रही है। इसी तरह से बी एक और एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और उसकी सबस्क्रिप्ट 0 से 4 तक जा रही है। अब हम एक एग्जांपल देखें जिसमें एरे को कैसे इनिशियलाइज करें और कैसे समझें, इसके लिए एक पहला एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है जिसमें स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड किया है, आगे हमने लिखा है डिफाइन साइज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर डिफाइन क्या है, तो जैसा हम हैश यूज करते हैं वो एक प्री प्रोसेसर कमांड है, मतलब अपना सी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इसको हम कुछ समझा रहे हैं। हैश के बाद में हम इंक्लूड लिखते हैं, मतलब हम कोई फाइल पहले से बनी हुई फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम में, जैसे स्टूडियो डॉट एच को हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा हैश डिफाइन, इसका मतलब हम एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, और वो डेफिनेशन क्या है, तो हमने एक लिखा है साइज SIJD। इसका मतलब हम कहीं भी प्रोग्राम में SIJD लिखेंगे तो वहाँ ये 10 मानेगा, क्योंकि साइज के बाद में हमने 10 लिखा है, तो जहाँ भी साइज लिखेंगे वहाँ पर ये 10 कंसिडर करेगा, 10 कंसिडर करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मेन फंक्शन में हमने लिखा है इंट n1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 10, मतलब n1 नाम की एक एरे हमने यहाँ डिक्लेयर किया है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं जिनकी सबस्क्रिप्ट 0 से 9 जाएगी। उसके बाद में हमने लिखा है एक डाटा टाइप, लिखा है साइज _t और उसके आगे लिखा i। साइज _t नॉर्मली एक अनसाइंड इंटीजर होता है, अनसाइंड इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और इसको पॉजिटिव इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज यू काम में लेते हैं, जैसे इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लेते हैं वैसे ही अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू काम में लेते हैं। साइज _t ये डाटा टाइप नॉर्मली stdef.h नाम की फाइल में डिफाइंड होता है, इसलिए यदि आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा हो, इससे रिलेटेड एरर दे रहा हो, तो ऊपर जैसे हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है, वहाँ पर अगली लाइन में हैश इंक्लूड stdef.h भी लिख लें। सामान्यतया ये स्टूडियो डॉट एच के अंदर इंक्लूडेड होता है, इसलिए हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आपका कंपाइलर इस तरह का है जहाँ पर स्टूडियो डॉट एच में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको लिख लें। उसके बाद में हम
एक लूप लगा रहे हैं जो आई पे वेरी हो रहा है, आई की वैल्यू 0 से साइज तक जा रहा है, साइज यहाँ पर 10, तो 0 से लेकर 9 तक ये जा रहा है लूप, और हमने ब्रैकेट इस फॉर लूप की बॉडी में लिख दिया है n1 स्क्वायर ब्रैकेट में आई इक्वल टू 0, मतलब n1 जो एरे है उसके सभी एलिमेंट्स 1 बाई 1 जीरो हो जाएंगे, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो n1 का 0th एलिमेंट 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू बाद में 1 होगी तो n1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो n1 का सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा, एंड इस तरह से सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। हम इनको प्रिंट करके देखते हैं तो ये सारे आउटपुट में हम देखने को मिलेंगे, हम देखते हैं आउटपुट कैसा, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है उसमें हमने लिखा है परसेंटेज एस परसेंटेज 13s, परसेंटेज एस का मतलब है यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, मतलब एरे ऑफ करेक्टर्स, सिंस हम एरे समझ रहे हैं इसका मतलब हम यूँ मान लें कि कुछ करेक्टर्स एक के बाद एक लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखें ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसके बाद में स्क्वायर डबल कोट्स में लिखा हुआ है एलिमेंट्स, इसका मतलब यहाँ एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी परसेंटेजेस की जगह जिसमें ELEMENTS प्रिंट होगा, उसके बाद में परसेंटेज 13s मतलब आगे के 13 करेक्टर्स में दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और वहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू जिसमें ओनली 5 करेक्टर्स हैं, इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स मतलब 8 करेक्टर्स इम्प्टी रहेंगे, 8 स्पेस फ्री इम्प्टी रहेंगे, और इसके बाद में प्रिंट होगा VALUE। इसी तरह से हमने आगे वाले फॉर लूप में जब प्रिंट किया है तो हमने परसेंटेज 7U लिखा है, मतलब यहाँ पर आई प्रिंट होगा, आई एक अनसाइंड इंटीजर है इसलिए हमने यहाँ परसेंटेज 7U लिखा है, और ये आई हम 7 डिजिट्स में प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब 6 डिजिट ही फ्री और साथ और 7वें नंबर कॉलम में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यदि हम यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में प्रिंट हो जाएगा, और यदि नंबर आई 2 डिजिट का चला गया तो ये 6 डिजिट एम्प्टी रहेंगे और 7, 6, 7, 8 में ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा है 13D, तो आगे जो एरे जो है वो 13 डिजिट्स में प्रिंट होगी। कुछ मशीन्स में मैंने देखा है कि परसेंटेज यू लिखने पर एक वार्निंग देता है, जैसे डेबियन कम्युनिटी की जो मशीन्स हैं उन पे वार्निंग देता है, तो ऐसा होने पर वार्निंग दे तो परसेंटेज यू की जगह परसेंटेज LD लिख लें या परसेंटेज 7LD लिख लें, 7 7 डिजिट में प्रिंट करने के लिए, LD लॉन्ग टाइप इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, मतलब कुछ डेबियन कम्युनिटी की मशीन्स हैं जो साइज अंडर स्कोर टी को अनसाइंड इंट की जगह लॉन्ग इंट मानती हैं। अब हमने लेफ्ट साइड में इसका आउटपुट लिखा है, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ये कंपाइल होगा उसके बाद में रन करेंगे तो आउटपुट इस तरह से आएगा, एलिमेंट्स के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, और वैल्यू जो कि एरे की वैल्यू है वो सब जगह 0 आ रही है क्योंकि हमने एरे को 0 से इनिशियलाइज किया था। अब हम एरे को दूसरे रूप में समझते हैं, हम एरे को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है, इंटीजर n2 साइज, मतलब ये n2 नाम की जो एरे है उसमें साइज की वैल्यू हमने यहाँ 10 दिया, मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स इक्वल इस तरह से हम असाइन कर रहे हैं कि आगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा लगा के उन नंबर्स को लिख देते हैं। यहाँ जैसे सबसे पहले हमने लिखा है 30, मतलब n2 एरे का 0th एलिमेंट 30 है, n2 एरे का फर्स्ट एलिमेंट 28 है, n2 एरे का सेकेंड एलिमेंट 47 है, नेक्स्ट 52, बाद में 42, बाद में 44, बाद में 48, बाद में 78, उसके बाद 92 एंड उसके बाद 10। अब हम प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स और वैल्यू जैसे पिछले प्रोग्राम में प्रिंट किया था यहाँ भी प्रिंट करते हैं, फिर एरे को भी उसी तरह से प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो एरे डिफाइन किया हमने जिसमें जो वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस में दिए हैं वो आउटपुट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने n3 नाम से एक एरे डिफाइन किया है और उसमें 5 ही वैल्यू दी है जबकि साइज की वैल्यू 10 है, इसका मतलब n3 एरे में 10 एलिमेंट्स हैं लेकिन उनमें से 5 एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिए हैं,
बाकी पांच एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। मोस्टली इनको जीरो अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जीरो हो जाते हैं। फिर भी चेक कर लें, कई बार यहाँ रेंडम नंबर उठा लेता है, मतलब हम 10 नंबर 10 एरे एलिमेंट्स प्रिंट करें, पांच की हमने वैल्यू दे दी है, बाकी पांच की हमने नहीं दी। मोस्टली उनकी वैल्यूज ये जीरो असाइन करता है, लेकिन कई बार कुछ जगह गड़बड़ी से ये जीरो की बजाय कुछ और रेंडम नंबर यहाँ उठा लेता है। मैंने यहाँ चेक करके देखा, मेरे पास बाकी पांचों एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं, फर्स्ट पाँच फाइव एलिमेंट्स वो हैं जो मैंने यहाँ वैल्यू दी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बाकी जीरो आ रहे हैं। नेक्स्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? तो हिस्टोग्राम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे एक सही तरीका होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ रो डाटा लेते हैं और उसको पहले बिन्स बनाते हैं। बिन्स मतलब एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल लिया है, जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है जो मैंने originlab.com से डाउनलोड करके डाला है। इस डायग्राम में हमने कुछ बिन्स बनाई हैं, कुछ एक्स एक्सिस पे टाइम का डाटा लिया है, कुछ सेकंड्स लिए हैं, और हमने 200 सेकंड तक का यहाँ पर 200 सेकंड तक की स्टडी की है। ये 200 नहीं, ये 20 सेकंड से स्टार्ट होकर 20 सेकंड से 200 सेकंड है, ठीक है। तो 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में हमें दो इवेंट मिलते हैं, दो काउंट मिलते हैं। 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच 40 से 50 सेकंड के बीच में 34 इवेंट मिलती हैं, 50 से 60 के बीच में 105 इवेंट मिलती हैं, 60 से 70 के बीच में 251, इस तरह से 70 टू 80 सेकंड्स में 487, 80 टू 90 में 762, 90 टू 100 में 952, 100 टू 110 में 969, 110 टू 120 में 787, 120 से 130 में 514, 130 से 140 में 271, 140 से 150 में 116, 150 से 160 में 38 और 160 से 170 में 4 इवेंट्स। मतलब हम 30 से 170 सेकंड्स के बीच का ये हिस्टोग्राम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिवली ये होता है कि कौन सी बिन में, जो एक्स एक्सिस पे हमने बिन्स बनाई हैं, 10-10 सेकंड्स के पार्ट लिए हैं, तो कौन सी बिन में कितनी नंबर ऑफ इवेंट्स आ रही हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देते हैं उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम अब एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो हमने एक एरे ली है, एन नाम की एरे है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, और अब हम इन सारे एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं। अब तक जो सी प्रोग्रामिंग सीखी है उसमें विजुअल इफेक्ट्स बहुत कम देखे हैं, तो यहाँ पर विजुअल इफेक्ट दिखाने के लिए हम कोई करेक्टर प्रिंट करेंगे। यहाँ मैं एक पाइपलाइन प्रिंट कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल हिस्टोग्राम होगा। नॉर्मल हिस्टोग्राम वर्टिकल होते हैं, लेकिन ये इनिशियली हम सीख रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिनल हिस्टोग्राम से ही इसको बनाएंगे। और अब यहाँ प्रोग्राम है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, दो फॉर लूप लगा रहे हैं। फर्स्ट फॉर लूप में ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू और एन की वैल्यू, एरे के आइथ एलिमेंट की वैल्यू। जैसे आई की वैल्यू 0 to 9 जाएगी, वैसे ही आइथ जो एरे है उसमें सब स्क्रिप्ट 0 to 9 चेंज होगी, तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। और उसके बाद में न्यू लाइन में जाने से पहले ही हमने एक और फॉर लूप लगा दिया है जिसमें उस एरे में एन के उस एरे उस एलिमेंट में क्या वैल्यू रखी है। जैसे 0th एलिमेंट एन एरे का है, उसमें 15 रखा है, तो 15 टाइम्स पाइपलाइन प्रिंट कर देगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो nth एरे के सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट 10 है, तो n एरे का फर्स्ट एलिमेंट 10 होने के कारण 0th एलिमेंट 15, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड एलिमेंट 5, थर्ड एलिमेंट 7, तो उस तरह से उतने उसी लाइन में पाइपलाइन बना देगा। हम आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट इस तरह का आ रहा है। तो ये हिस्टोग्राम हम यहाँ से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग हम आगे के वीडियोज़ में अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग किसको कहते हैं,
तो स्ट्रिंग नथिंग अदर देन एरे, स्ट्रिंग वो एरे होती है जो करेक्टर्स का एरे है, मतलब डाटा टाइप जो है वो करेक्टर है और उनकी एरे हम बनाते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एस भी काम में ले लेते हैं। और यहाँ पर ये एरे होने का एक और फायदा है जो हम आगे पॉइंटर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हमें स्कैन ऐप में एम परसेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। मतलब हम यहाँ पर, यहाँ मैं दो एरे, दो करेक्टर एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट एरे है S1 और उसकी साइज दिया 20। सेकंड एरे ले रहा हूँ S2 और उसकी साइज सीधे डिक्लेयर करने, साइज स्क्वायर ब्रैकेट में डालने की बजाय इसको जस्ट यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसाइड हो जाती है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर 14 करेक्टर्स दिए हैं, इसका मतलब S2 एरे की साइज 15 है। यहाँ 14 जो मैंने लिखे हैं वो करेक्टर्स हैं, जैसे STRING स्पेस LITERAL, ये इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को शामिल करना है। 14 करेक्टर्स हैं, 14 करेक्टर हमने दे दिए हैं। अब एक करेक्टर, 15 करेक्टर कैसे बनाएंगे? तो एरे का जब एंड होता है, करेक्टर एरे का जब एंड होता है जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, वो एक नल करेक्टर पे एंड होता है और नल करेक्टर को यहाँ सी प्रोग्रामिंग में \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। \0 मतलब नल करेक्टर, मतलब नथिंग, बट फॉर ए स्ट्रिंग इट इज़ द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के केस में \0 एक नल करेक्टर है जो स्ट्रिंग के एंड को बताता है। वैसे हमें \0 प्रिंट करने पर कुछ भी आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये विजुअल करेक्टर नहीं है। अब हम बात करें कि हमने दो एरे क्यों डिफाइन किए, तो हम देखना चाहते हैं कौन सी एरे कैसे काम करती है। तो हमने S1 एरे को रीड किया, मतलब जब हम रन करेंगे तो ये हमसे इनपुट में मांगेगा कि S1 क्या है। हम वहाँ जो भी इनपुट में देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आउटपुट आएगा। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें स्पेस देते ही वो स्पेस से पहले एक नल करेक्टर को रीड कर लेता है। इसलिए यहाँ पर जो एरे है, जो स्ट्रिंग है, वो हम रीड करेंगे, दो तरह से रीड करके देखेंगे और देखेंगे आउटपुट में क्या चेंज आता है। उसके बाद में हमने दोनों एरेज को प्रिंट किया है, S1 S2 को प्रिंट किया है, जो नॉर्मल प्रिंट परसेंटेज एस लिखा है उसकी जगह S1 और S2 प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद में हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया, गिवन स्ट्रिंग विद स्पेस बिटवीन करेक्टर्स इज कॉलन, तो ये ऐसा कैसा प्रिंट होगा। और उसके बाद में हमने एक लूप लगा के जो S1 एरे है उसको वहाँ तक चलाया है जब तक कि नल करेक्टर ना मिल जाए। यहाँ से हमें नल करेक्टर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होती है और इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट किया है, लेकिन परसेंटेज सी के बाद में हमने एक स्पेस दे दिया, मतलब इसके जो करेक्टर्स प्रिंट होंगे वो विद वन स्पेस प्रिंट होंगे। अब हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पहली बार रन किया उसमें मैंने इनपुट दिया हेलो, तो जब यहाँ स्पेस देके प्रिंट किया तो हेलो को एच स्पेस ई स्पेस एल स्पेस एल स्पेस ओ प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग को भी फर्स्ट को हेलो दिया, दूसरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल जो लिखा था वैसी की वैसी है, लेकिन जब मैंने इनपुट में हेलो स्पेस वर्ड दिया तो भी इसने फर्स्ट स्ट्रिंग को हेलो ही कंसिडर किया। इसका रीज़न है कि जब भी मैं स्पेस या एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्ट्रिंग के केस में ये ऑटोमेटिकली एक नल करेक्टर काउंट कर लेता। अब हम देखते हैं एक और प्रोग्राम, रोलिंग डाई इन एन एरे। हम क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, एक घन लेते हैं, ऐसा छोटा सा घन लेते हैं जिसके 6 फलक जो हैं, 6 सरफेस, ऑल 6 सरफेसेस जो हैं उन पे कोई नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6। अब हम यदि उसको उछालते हैं, जब वो गिरता है, गिरने के बाद ऊपर की साइड में कोई एक नंबर आएगा जो 1 से 6 के बीच में होगा। हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा होगा, हमारे लिए वो नंबर रैंडम नंबर होगा, इसलिए हमने रैंडम नंबर का प्रोग्राम लिखा। इसमें हम इसको इतना रैंडम कर रहे हैं
कि इसमें जो इनपुट सीड है वो टाइम से रिलेटेड हो। उसके बाद में हम जैसे फॉर लूप लगा रहे हैं, ये 6000 टाइम्स लगा रहे हैं, तो ये लूप 6000 टाइम्स 6000 बार लूपिंग करेगा, रन करेगा। और वहाँ पर हम कुछ वैल्यूज जो दे रहे हैं, जैसे फेस इक्वल टू हमने लिखा 1+rand%6, RAND जो फंक्शन है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसका 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो रिमाइंडर 6 से कम होगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो 0 की स्थिति में 1 हो जाएगा, 5 की कंडीशन में 6 हो जाएगा। मतलब फेस की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक होगी। हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें सभी वैल्यूज को 0 कर दिया है। अब हम उस यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी और फेस। मानने कि फेस की वैल्यू 3 आई, जो फेस की वैल्यू 3 आई फर्स्ट टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 3++, मतलब थर्ड एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी का है उसमें हमने 1 ऐड कर लिया है। इसी तरह से जैसे एरे की वैल्यू या एरे की नहीं, जैसे रैंडम नंबर कोई ऐसा बना जिससे जो फेस वैल्यू बन रही है वो 1 बन रही है, तो इस फ्रीक्वेंसी नाम की एरे के फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर लेगा। और इस तरह से जब ये 6000 टाइम्स रोल हो जाएगा, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी में सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जब हम यहाँ प्रिंट करते हैं तो हमें फेस, मतलब 1, 2, 3 फेस पे हमने लूप लगाया, तो फेस की वैल्यू 1, 2, 7, 1, 2, 6 होगी। हमने यहाँ जो साइज लिया वो 7 ली है, क्योंकि 0th एलिमेंट अपने यहाँ काम का नहीं है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी की साइज 0 ली है, लेकिन 0th एलिमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। और अब हम रन करके देखें तो हमने देखने को मिलता है कि 1963 टाइम्स आया, 2 1010 टाइम्स आया, 3 1038 टाइम्स, 4 956 टाइम्स, 5 984 टाइम्स एंड 6 1049 टाइम्स। यहाँ पर आप जब इस प्रोग्राम को ऐसा ही कॉपी पेस्ट करके रन करोगे तो ये नंबर्स बदल जाएंगे, क्योंकि ये रैंडम नंबर हैं, रैंडमली आ रहे हैं नंबर। तो हो सकता है आपके 963 की जगह 1010 आए, या हो सकता है 964 आ जाए, 1038 आ जाए, 1052 आ जाए, 1001 आ जाए, 1000 आ जाए। प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1000 की है और उसमें प्लस माइनस एरर स्क्वायर रूट ऑफ एरर होती है, जो अगेन 1√1000 होगी। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखें नेक्स्ट स्टैटिक लोकल एरे। तो ये स्टैटिक लोकल एरे और ऑटोमेटिक लोकल एरे क्या है? तो स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब हमने पहले देखा था एक स्टैटिक वेरिएबल का, लेकिन यहाँ स्टैटिक एरे है। स्टैटिक एरे का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ भी दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक स्टैटिक एरे इनिट और दूसरा ऑटोमेटिक एरे इनिट नाम से। हम उन दोनों फंक्शंस को कॉल करते हैं और उन्हीं दोनों फंक्शंस को फिर से कॉल करते हैं, और ये ही मेन फंक्शन है। हम देखते हैं दोनों फंक्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है जिसमें एक एरे है, एरे 1, और उसमें 3 एलिमेंट हैं, मतलब एरे 1 0, एरे 1 1, एरे 1 2। हमने उनको कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 0 असाइन कर लेगा। इसकी संभावना बहुत कम है कि ये कोई और वैल्यू असाइन करे, लेकिन हो सकता है कोई और वैल्यू भी मिले। मेरे केस में मुझे 0 मिल रही है। इसके बाद में हम इस एरे को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद हम इस एरे को पहली बार फिर से प्रिंट करते हैं, लेकिन जब फिर से प्रिंट करते हैं वहाँ हमने एक कंडीशन डाल रखी है कि ये प्रिंट करने से पहले उस एरे में 5 ऐड कर ले। तो फिर से जब प्रिंट करेंगे इसी बारी जब स्टैटिक एरे इनिट को कॉल कर रखा है, तो दूसरी बारी में
ये उस एरे के हर एलिमेंट में 5 ऐड करेगा और उसके बाद में प्रिंट करेगा। इसी तरह से ऑटोमेटिक एरे की बात करें तो वहाँ पर हमने एरे की वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3, इनिशियल वैल्यूज़ दे दी हैं, और यहाँ पर भी हम उसी तरह से एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं और दूसरे राउंड में एलिमेंट्स को दोबारा रन करके, दोबारा प्रिंट कर ऐड करके, हर एलिमेंट में 5 ऐड करके प्रिंट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? दोनों जगह हमने स्टैटिक इंट लिखा है, मतलब एरे टाइप स्टैटिक इंट है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन वे सेम है, इसलिए जो इनिशियल वैल्यूज हैं उन पे डिपेंडेंट आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया तो फर्स्ट एरे में जो इनपुट है वो 0 0 0, इनिशियली 0 0 प्रिंट किया, बाद में तीनों में एलिमेंट्स में 5 ऐड करके प्रिंट कर दिया। बाद में जो ऑटोमेटिक एरे इंट वाला फंक्शन था उसमें कॉल किया तो वहाँ पर 1 2 3 प्रिंट कर दिया, 5 ऐड करने पर 6 7 8 प्रिंट कर दिया। उसके बाद में यहाँ ये फिर से स्टेटिक इंट एरे इंट को कॉल करता है, तो यहाँ स्टैटिक जो वर्ड लिखा हुआ था इसकी वजह से ये पुरानी वैल्यूज को फिर से ले रहा है। पुरानी वैल्यूज 5 5 5 हो चुकी थी, अब उनमें फिर से उनको प्रिंट कर दिया और 5 ऐड करके प्रिंट किया तो 10 10 हो गई। वैसे ही ऑटोमेटिक एरे में पुरानी वैल्यूज लेगा क्योंकि हमने इसको स्टैटिक इंट के रूप में डिक्लेयर कर रखा था, तो 6 7 8 प्रिंट किया और बाद में 5 और ऐड करके 11 12 13 प्रिंट कर दिया। उसके बाद में हम देखेंगे एरे को फंक्शन में कैसे भेजते हैं। तो हमने यहाँ दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, मॉडिफाई एरे और मॉडिफाई एलिमेंट। मॉडिफाई एलिमेंट मतलब एरे का कोई एक एलिमेंट एडिट करना है, तो ये उसी तरह से नॉर्मल फंक्शन में जैसे नॉर्मल वेरिएबल को भेजते हैं वैसे भेजेंगे, लेकिन जब मॉडिफाई एरे की बात कर रहे हैं तो हमें एरे की साइज भी बतानी होगी। तो हम यहाँ पर दो इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं, एक इंट एरे और दूसरा एक इंटीजर जो एरे की साइज बताएगा। यहाँ पहला जो वेरिएबल ले रहे हैं वहाँ इंट के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जो डिनोट करता है कि ये एक एरे है। हम चाहें तो पूरा लिख सकते हैं इंट एरे का नाम और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज इसलिए नहीं दी क्योंकि साइज हम यहाँ इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एरे को भेज रहे हैं, मतलब साइज यहाँ ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगी, लेकिन दूसरा वेरिएबल साइज अलग चीज़ है। तो यहाँ मेन फंक्शन में देखें तो हमने एक A1 नाम की एरे डिफाइन किया जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, और उसके बाद में हम उस एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद में हम मॉडिफाई एरे नाम के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और इसी तरह से हम उस फंक्शन को कॉल करने के बाद देखते हैं इनकी कोई वैल्यूज में चेंज आया है या नहीं, तो हम फिर से प्रिंट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम अकेले थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करते हैं और मॉडिफाई एलिमेंट के एरे फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें इसी थर्ड वेरिएबल को भेज देते हैं, और उसके बाद में उसको हम प्रिंट कर लेते हैं तो हम चेंज देख लेंगे। मॉडिफाई एरे में क्या है? तो मॉडिफाई एरे में जो भी वेरिएबल हैं, जो भी वैल्यूज जाती हैं, उनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मॉडिफाई एलिमेंट में जो वैल्यू गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण चेंज देखने को मिलेगा। हम मॉडिफाई एलिमेंट एरे के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट भी कर रहे हैं, नाउ को ओनली मॉडिफाई नहीं, प्रिंट भी कर रहे हैं, यहाँ हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने एरे को कॉल किया, फर्स्ट एरे को पूरी को एक फंक्शन में भेजा, मॉडिफाई एरे को कॉल किया तो उसमें हर वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम यहाँ देख सकते हैं हर वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन जब हम एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं तो मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू डबल हो गई है, जो मेन फंक्शन में आता है उसकी वैल्यू वापस पुरानी वैल्यू मिल जाती है, और इसका कारण हमें पॉइंटर के बाद में समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में शायद ना आए। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने लायक चीज़ है कि जब हम एरे को कॉल करते हैं तो ओरिजिनल एरे में चेंज हो जाता है,
लेकिन हम किसी एलिमेंट को कॉल करते हैं, तो ओरिजिनल फंक्शन में, मैं फंक्शन में जहाँ से कॉल किया है वहाँ पर एरे के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बाद में हम बात करते हैं कि हम एक कॉन्स्टेंट टाइप की एरे को कॉल करें और उसमें चेंज करना चाहें तो क्या होगा। तो हमने एक फंक्शन लिखा है ट्राई टू मॉडिफाई एरे, जिसमें इनपुट है कॉन्स्ट इंट, मतलब ये एक इंटीजर एरे है जो कॉन्स्टेंट टाइप है, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन हम जब यहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। यहाँ कंपाइल नहीं होने के दो रीज़न हैं, एक तो हमने स्लेस और इक्वल के बीच में स्पेस दिया है, ये कंबाइंड एक ऑपरेटर है स्लेस इक्वल, जो पुरानी वैल्यू को इक्वल के आगे लिखी हुई वैल्यू से डिवाइड कर देता है। हमने पहली लाइन में यहाँ स्पेस छोड़ दिया, तो एक तो ये एरर है। दूसरी एरर क्या है हम देखते हैं, तो यहाँ पर पहली एरर है, यहाँ जब प्रोग्राम को रन किया तो ये दिखा रहा है इस प्रोग्राम में जो ट्राई टू मॉडिफाई एरे नाम का फंक्शन है उसमें इक्वल के साइन से पहले इसको कुछ एक्सप्रेशन सी है। तो इसका रीज़न यहाँ है कि स्लेस और इक्वल के बीच में स्पेस दे दिया, और आगे ये कह रहा है आगे वाले दो वैल्यूज के लिए कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, की ये जो लोकेशन है वो रीड ओनली है, इसमें आप वे चेंज नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट है, आपने कॉन्स्टेंट टाइप एरे के एलिमेंट्स दिए थे, इनमें आप कौन चेंज नहीं कर सकते, तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हमने एक एरे लिया है, A1 नाम से एक एरे लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6, 18, 3, 28, 99, 20, 21 एंड 35, मतलब एरे की साइज़ है 10। और फिर हमने इस एरे को प्रिंट कर लिया। अब बबल सॉर्टिंग से इसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, बबल सॉर्टिंग मतलब हम दो पास वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उनमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है डिसाइड कर लेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो छोटे को पहले बड़े को बाद में, तो इसका अपना पैटर्न क्या रहेगा कि हम यहाँ फंक्शन को कह रहे हैं कि जो आईथ एलिमेंट है वो i+1th एलिमेंट से यदि बड़ा है तो दोनों को एक दूसरे से स्वाप कर दिया जाए। या हम तीन इस तरह वेरिएबल टेम्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेम्प नहीं लेंगे तो जो ही हम a1 i=a1 i+1 लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी और ये ai की पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा। ये ai की पुरानी वैल्यू को ना भूले इसलिए हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें ai की वैल्यू असाइन कर देते हैं और जब दोनों एरे एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं उसके बाद ai a1 एरे के आईथ एलिमेंट की पुरानी वैल्यू टेम्प में रह गई है। तो अब ai+1 को टेम्प असाइन कर देते हैं तो पुरानी वैल्यू ai+1 को असाइन हो जाती है। उसके बाद में हम अपनी एरे को प्रिंट कर लेते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हम बबल सॉर्टिंग करें और इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो ये पहले अपनी ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद में उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। अब हम डाटा एनालिसिस कैसे करें, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास कुछ रो डेटा है और उस रो डेटा के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 9 एंड so on। तो उस एरे में कैसे हम उसका उस रॉ डाटा का मीन निकालें, कैसे मीडियन निकालें, कैसे मोड निकालें, कैसे बबल सॉर्टिंग करें, कैसे प्रिंट एरे करें, ये कुछ प्रोटोटाइप फंक्शंस यहाँ दिए हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटोटाइप फंक्शंस क्या करते हैं और उसके बाद में हम ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे। तो पहले मेन फंक्शन में क्या दिया है, तो मेन फंक्शन में हमने एक एफ नाम की एरे दी है जिसके सभी एलिमेंट्स को जीरो कर दिया है। इसके अलावा हमने एक
आर नाम की दूसरी एरे है जहाँ साइज इक्वल टू 100 है, तो इसमें 100 एलिमेंट्स दे दिए हैं। ये सारी वैल्यूज 1 to 9 लिखी हैं, 1 से 9 के बीच की हैं। और फिर मीन फंक्शन को कॉल करते हैं, मीडियन फंक्शन को कॉल करते हैं, मोड फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन जो फंक्शन है उसमें इनपुट एक कांस्टेंट एरे है, मतलब हम उस एरे में कोई चेंज नहीं करेंगे। मीडियन एरे में, मीडियन फंक्शन में हम इन ये जो एरे है इसको भेज रहे हैं और एक इंट एरे के रूप में भेज रहे हैं, मतलब वहाँ हम इसको चेंज कर भी सकते हैं। मोड जो फंक्शन है उसमें हम दो एरे भेज रहे हैं, दो इसलिए क्योंकि एक एरे एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये 1 to 9 है, इसलिए हमने 10 डिजिट की एक एरे बनाई है एफ नाम से, और उस वो एरे होगी। दूसरा ये जो आर एरे है उसको पूरी को भेज रहे हैं, वहाँ हमें कुछ काउंटिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या करना होगा। तो मेन फंक्शन में हम नॉर्मली सबको ऐड करते हैं और फिर साइज का भाग दे देते हैं। यहाँ इससे पहले इस पैरेंथेसिस में फ्लोट लिखा है, टोटल अपॉन साइज से पहले पैरेंथेसिस में फ्लोट लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर अपने पास साइज भी एक इंटीजर है, टोटल भी एक इंटीजर है। वैसे साइज यहाँ इंटीजर नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने डिफाइन किया है, मतलब प्री प्रोसेसर कमांड है तो ये इंटीजर के रूप में ही काम करेगा। वो टोटल भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर आएगा। हमें चाहिए एक रियल वैल्यू, तो हमने यहाँ टोटल से पहले पैरेंथेसिस में फ्लोट लिख दिया, इसका मतलब टोटल की जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको ये फ्लोट वैल्यू मानेगा और उसमें साइज का भाग देगा, तो हमारा आउटपुट फ्लोट वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन में हमने यहाँ पर कुछ काम किए हैं, जिनमें पहला काम किया है प्रिंट एरे, जो एरे है उसको प्रिंट कर दो। दूसरा बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है। बबल सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, उसमें जो भी एरे जाएगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। उसके बाद में बबल सॉर्ट का पहले हम प्रोग्राम देख ही चुके हैं, उसके बाद में हम एरे को फिर से प्रिंट करके देखते हैं तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में एरे मिल जाएगी। और जो मीडियन की डेफिनेशन होती है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको यदि असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए तो मिडिल नंबर पे कौन सा नंबर, कौन सा वैल्यू आ रही है। जैसे 100 एलिमेंट हैं तो 50वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, वो ही हमारा मीडियन है, तो वो हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद में हम आते हैं मोड पे। तो मोड क्या होता है? मोड बताता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएबल आया है। तो हमें यहां पर पहले इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम पहले कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर हमने रेट जे स्टो लार्जेस्ट मोड वैल्यू नाम के कई इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया है जो रेट को 1 से 9 तक ले जाता है, और यहाँ सिंपली फ्रिक्वेंसी जो नामक एरे हमने इनपुट में ली थी उसके सारे वेरिएबल्स को 0 कर लेता है। यहाँ इनपुट में नहीं लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक एरे डिक्लेयर करके उसको 0 कर सकते थे। उसके बाद में ये लूपिंग करता है जे नाम का वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट होकर साइज तक जाता है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एक ऐड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के उस एलिमेंट में वन ऐड किया जाता है जो आंसर जो एरे है उसको सबस्क्रिप्ट में ले। मान लेते हैं हम आंसर जो एरे है उसके पहले एलिमेंट की वैल्यू, 0th एलिमेंट की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर जैसे जे की वैल्यू 0 है, उसमें आंसर जो एरे है उसकी सबस्क्रिप्ट 0 के लिए वैल्यू 6 है, तो फ्रीक्वेंसी में स्क्वायर ब्रैकेट में 6 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी के 6th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद में एरे जो आंसर है उसके फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 7 है, तो फ्रीक्वेंसी के 7th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा।
उसके बाद में एट है तो फ्रिक्वेंसी के एट्थ एलिमेंट में ऐड हो जाएगा वन। उसके बाद में नाइन है आंसर तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के नाइन्थ एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में वापस सेवन है एट है तो एट्थ एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। और इस तरह से ये फ्रिक्वेंसी जो एरे है ये आंसर जो एरे अपनी जो ओरिजिनल जो एरे थी 100 एलिमेंट्स वाली उसमें हर वेरिएबल की कितनी फ्रिक्वेंसी है कौन सा वेरिएबल कितनी बार आ रहा है ये काउंट कर लिया है। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम जैसे पहले बनाया था उसी तरह से ये हिस्टोग्राम के लिए फंक्शन लिखा और हमने हिस्टोग्राम बना दिया। इस बार हिस्टोग्राम में हमने स्टार प्रिंट किया है जैसे पिछली बार पाइपलाइन प्रिंट की थी यहाँ पर स्टार प्रिंट किया है। और उसके बाद में हम मोड निकालते हैं तो मोड में हम लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे। तो लार्जेस्ट क्या है जब हम यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी एरे को के हिस्टोग्राम को प्रिंट कर रहे थे उससे पहले हमने लूपिंग लगाकर लार्जेस्ट और मोड वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको और कौन से नंबर पे है उसको काउंट किया था उसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद हम बबल सॉर्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो दो फंक्शंस की दो एक एरे को कैसे सॉर्टिंग करते हैं कैसे से पास वाले दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं ये बता रहा है जो हम पहले भी देख चुके हैं। एरे प्रिंट करने के लिए भी हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसमें इनपुट में एक एरे होगी और उसके एलिमेंट्स को ये प्रिंट कर देगा। ये सिंपल है दोनों। और यहाँ पर जे परसेंटेज 20 इक्वल टू 0 पर ये न्यू लाइन में जा रहा है मतलब एक एरे के 20 एलिमेंट्स को एक लाइन में प्रिंट करेगा बाद में नई लाइन में बाकी को प्रिंट करेगा दूसरी लाइन में 20 को बाद में थर्ड लाइन में फोर्थ में एंड सो ऑन। और अब इसका आउटपुट देखते हैं तो ये इतने बड़े प्रोग्राम का आउटपुट भी छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है क्योंकि जब भी हम किसी एरे को प्रिंट करते हैं तो 100 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ इसकी मीन वाले फंक्शन से स्टार्टिंग होगी जैसे मीन वाले फंक्शन में हमने स्टार 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 मीन स्टार स्टार लिखा था तो वो प्रिंट होगा। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन हमने वहाँ प्रिंट करवाई थी वो प्रिंट होगी। मीन की वैल्यू क्या रही है वो प्रिंट होगी। मीडियन वाले प्रोग्राम मीडियन वाले फंक्शन में हमने पहले अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट किया था तो वो एरे प्रिंट होगी। उसके बाद में हमने उसकी सॉर्टेड एरे प्रिंट की थी वो प्रिंट होगी। और उसके बाद में उसका मीडियन जो कि अपने यहाँ 7 आया है। मोड मोड में फ्रिक्वेंसी और हिस्टोग्राम जो भी कैलकुलेट किए थे पहले वो प्रिंट होंगे। उसके बाद में उसमें जैसे हमने कैलकुलेशंस की थी कि 8 है वो 27 टाइम्स आया है इसलिए 8 ही उस एरे का मोड है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर सर्चिंग कैसे करें किसी प्रोग्राम में सर्चिंग कैसे करें। हमने हमारे पास कुछ डेटा है उस डेटा में सर्चिंग कैसे करें तो हमने यहाँ दो तरह की सर्चिंग बताई है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। हम देखते हैं लीनियर सर्च क्या बाइनरी सर्च क्या। हमने दोनों के लिए फंक्शन डिफाइन किए एक प्रिंट एडर नाम से फंक्शन डिफाइन किया और एक प्रिंट रो से। प्रिंट एडर है ये कहीं हमें सेम हेडिंग बार बार देनी है तो उसके लिए है और ये कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा मतलब एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जिसमें जो लिख दिया वो इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे प्रिंट कर लेगा। और प्रिंट रो है इसमें हम एक इनपुट एरे देंगे और कुछ प्रिंट करना चाहेंगे उस तरह से प्रिंट करेगा। यहाँ साइज की वैल्यू 15 ली है। और अब हम आगे देखते हैं मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन में हमने A1 नाम की एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें 15 एलिमेंट्स होंगे। एक्स एक डमी वेरिएबल काम में लिया है जो लूपिंग का काम करेगा। सर्च की और एलिमेंट ये भी इंटीजर टाइप के डिक्लेरेशंस हैं। और बाद में एक फॉर लूप से जो A1 नाम की एरे है उसके हर एलिमेंट को 2 टाइम्स एक्स कर दिया है मतलब 0th एलिमेंट है वो एरे A1 का वो 0 होगा। फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा सेकंड एलिमेंट 4 होगा थर्ड एलिमेंट 6 होगा 9th एलिमेंट 18 होगा एंड 14th एलिमेंट 28 होगा। एरे में 15 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद में हम सर्च की एक इनपुट एक रीड कर रहे हैं सर्च की में एक वेरिएबल वैल्यू रीड कर रहे हैं जो जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब हम खुद से इस वैल्यू को देंगे इनपुट में देंगे वो वैल्यू सर्च की नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद में
लीनियर सर्च नाम के फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें A1 एरे में ये सर्च वैल्यू डालेंगे और वो प्रोग्राम इसको में कुछ सर्च करेगा, वो कुछ रिटर्न करेगा, वो प्रोग्राम इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और उसको हम एलिमेंट में स्टोर करके उसको प्रिंट कर देंगे। यदि वो वैल्यू -1 हुई तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू नॉट फाउंड। ये हम उस फंक्शन में देखते हैं किस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरा डाटा क्रिएट किया A2 नाम के एरे में। A2 जो एरे है उसमें भी हमने इसी तरह से डाटा लिया है जैसे A1 में लिया था 2x, तो A1 और A2 यहाँ पर सेम ही होंगी। और बाद में हमें एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 28, तो हम कोई नंबर देंगे। उस बाद में ये बाइनरी सर्च एरे को कॉल करेगा और रिजल्ट को प्रिंट करेगा। हम दोनों एरेज को देखते हैं, तो एरेज को देखने से पहले प्रोग्राम को जूम करके देख लेते हैं और उसके बाद में हम एरे को फंक्शंस को देखते हैं। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च एक फंक्शन है जिसमें इनपुट एक एरे है और दो इंटीजर्स हैं और उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। अब वो एरे क्या कर वो फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसमें एक फॉर लूप है, वो चेक करती है कि जो हमने इनपुट दिया था, जो यहाँ इसने की में स्टोर कर लिया, वो यदि एरे के किसी एलिमेंट के इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एरे की सबस्क्रिप्ट रिटर्न कर देगा। मतलब मेन फंक्शन में जहाँ भी इस फंक्शन को कॉल किया वहाँ वो सबस्क्रिप्ट चली जाएगी, और यदि इसको नहीं मिला तो ये -1 रिटर्न करेगा। इसी तरह से बाइनरी सर्च है, उसमें भी एक एरे इनपुट में जा रही है और ए इनपुट में आ रही है, और एक जो हमने की दी थी, जो इनपुट दिया था कि ये सर्च करना, वो आ रहा है, और दो डमी वेरिएबल्स हमने लिए हैं लो एंड हाई, तो वो लो एंड हाई आ रहे हैं। तो लो 0 है, हाई है वो जो एरे साइज ले रहे हैं उससे एक कम है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन हम देखते हैं क्या करेगा। तो यहाँ पर हमने एक मिडिल नाम से इंटीजर डिक्लेयर किया है, बाद में हम कह रहे हैं यदि लो हाई से कम है तो मिडिल को लो प्लस हाई बाई 2 कर लो, मतलब दोनों का एवरेज ले लो, और फिर जो रो है उसको प्रिंट कर दो। और रो को प्रिंट करने का मेथड क्या है वो हम आगे देखेंगे। और बाद में सर्च की जो है उसको चेक करो कि वो मिडिल के बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तो मिडिल को रिटर्न कर दो, और यदि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सर्च की है उसको चेक करो कि वो मिडिल वाले से छोटी है या नहीं है। यदि वो मिडिल वाले से छोटी है तो एक हाई नाम का वेरिएबल जो लिया था उसमें एक कम कर दो, यदि ऐसा भी नहीं है तो लो वाले में एक बढ़ा दो। मतलब हम लो और हाई को शिफ्ट कर रहे हैं ये, और हम देखना चाह रहे हैं कि उनके मिडिल वाला वेरिएबल जो है वो अपनी सर्च की के इक्वल है या नहीं है। यदि नहीं मिलता है तो हम लो या हाई को अकॉर्डिंगली कि वो किस साइड में उधर शिफ्ट कर लेते हैं और सर्च करने की कोशिश करते हैं। यदि इसको नहीं मिला इस तरह से करते करते तो ये रिटर्न -1 कर देगा। प्रिंट एडर क्या है, तो प्रिंट एडर प्रिंट करता है सबस्क्रिप्ट, उसके बाद में ये प्रिंट करता है आई की वैल्यू। यहाँ आई की वैल्यू क्या है, तो आई साइज नाम का मतलब 1 to 15 जो भी है वो प्रिंट कर देगा। दूसरा इसमें दूसरा लूप है जो माइनस का साइन प्रिंट कर देगा। मतलब हम जब एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनकी नंबरिंग प्रिंट कर देगा कि कौन सा वेरिएबल किस नंबर पे है, और कुछ नहीं है। उसके बाद में एक लाइन के रूप में एक हाइफन प्रिंट कर रहा है, तो एक बीच में एक लाइन आ जाएगी जिससे वो सेपरेटेड लगे, ऐसे एड टाइप में लगे। और प्रिंट रो क्या कर रहा है, तो इसमें इनपुट आ रहा है, इनपुट एरे आ रही है, लो मिड हाई वैल्यूज आ रही हैं, तो ये उनको
प्रिंट कर रहा है, उस एरे को प्रिंट कर रहा है। यदि एरे जो है उसमें हम यदि मिड वाले पे हैं तो उस वेरिएबल के साथ में स्टार प्रिंट करेगा, यदि ये मिड वाला नहीं है तो साथ में स्पेस प्रिंट कर देगा। और उसके बाद में हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करने पर क्या आता है। तो यहाँ जैसे लीनियर सर्च था, जैसे हमने यहाँ इनपुट दिया 38, तो लीनियर सर्च ने सीधा ही प्रिंट कर दिया कि 19वें नंबर पे है। और अब हम बाइनरी सर्च में देखें तो बाइनरी सर्च क्या करता है कि ए जो 38 है वो जैसे इसने नहीं बाइनरी सर्च या नहीं है, पहले बाइनरी सर्च के लिए नया नंबर मांगता है, हमने जैसे 26 दे दिया, तो ये सर्च करता है 26 को। ये सबसे पहले 26 को सर्च करने के लिए क्या करेगा, लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू, जैसे ये फंक्शन था उसमें लो की वैल्यू 0 है एंड हाई की वैल्यू हमने इनपुट दी थी मेन फंक्शन में साइज -1, साइज की वैल्यू 15 थी मतलब 14। तो लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू 15, और तो 0 प्लस 15 बाई 2 दैट इज 7। तो 7 चेक करता है कि 7th नंबर पे वो नंबर है या नहीं है, 7th पे नहीं है तो वहाँ पर 7th वाले के लिए स्टार प्रिंट कर दिया। बाकी अब हाई की वैल्यू इनक्रीज कर लेता है और आगे वाले में सर्च करता है। इस तरह से इसको नेक्स्ट मिलता है 22 और उसके बाद में 26 मिल जाता है। ये बाइनरी सर्च है और ये कहता है 13 नंबर पे 26। इसके बाद में हम देखें दूसरी वैल्यूज, देखिए जैसे 27 दिया लीनियर सर्च ने, सीधा कह दिया वैल्यू नॉट फाउंड, 27 हमने बाइनरी सर्च के लिए दे दिया, तो ये लास्ट तक सर्च किया और इसको लास्ट में इस बाइनरी सर्च ने भी कहा नॉट फाउंड। और इस तरह से अपना प्रोग्राम एरे का ख़त्म होता है। हम एरे को समझ लेते हैं, आप अपने डाउट्स लिख सकते हो कमेंट में, हम उन पे उनको कंसिडर करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे, यदि आवश्यकता बनी तो उस पे भी एक वीडियो बना के डाल देंगे।